जुहा झारखंड आई नीद ही वेलकम यू इन योर चैनल आई फस अकेडमी इन दिस सीरीज़ वी स्टडिंग अबाउट झारखंड थ्रू दिस बुक बुक नेम इज़ नो योर स्टेट पब्लिश बाय ऑडियंस सो आई विल एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस बुक विच विल बुस्ट यू नॉलेज एंड हेल्प यू इन फर द ऑफ जे पी एस सी एंड अदर स्टेट लेवल एग्जाम लाइक जेस एस सी जे टे डेस आई एंड ऑल झारखंड गवर्नमेंट एग्जाम सो एज टूडेज़ वी आर कवरिंग सेकेंड चैप्टर चैप्टर नेम इज मीडियवर हिस्ट्री ऑफ झारखंड एंड टुडेज टॉपिक इज झारखंड ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड सो ओपन इयर बुक पेज नंबर ट्वेंटी वन सो टॉपिक इज झारखंड ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड सो लू अट फर्स्ट स्टेटमेंट औरंगजेब ऑज़ दिक्कथ मुगल एम्पेयर आ रूल्ड ओवर द मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि औरंगजेब जो थे वो कितने नंबर पर थे सिक्स थे मुगल में और इन्होंने इनका शासन कहा था तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था यानी कि भारत प्रायदीप्य भाग में था वेन औरंगजेब ओज औरंगजेब असेंडेड द थ्रॉन रघुनाथ शाह ऑज द रूरल ऑफ झारखंड ये, ये स्टेटमेंट कर रहा है कि औरंगजेब जब गद्दी पर बैठे थे उस टाइम पे रघुनाथ साह क्या थे झारखंड के शासक थे तो यहाँ पे झारखंड वर्ड नहीं यूज होना चाहिए था ये गलत है यहाँ पे होना चाहिए था कुकरा ठीक है कुकरा या फिर छोटा नागपुर ठीक है तो जब औरंगजेब जब गद्दी पर बैठे उस टाइम कुकरा या छोटा नागपुर में किसका शासन था रघुनाथ साह का था प्लामो में किसका शासन था तो प्लामो में इस टाइम पर था मेदिनी रायका मेदिनी रायका ठीक है और ये दो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके अलावा सिम्भुम है हजारीबाग है तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो हम बताएंगे बाद में ठीक है तो औरंगजेब के टाइम इम्पोर्टेंट कौन है तो कुकरा या छोटा नागपुर में रघुनाथ शाह एंड पलामू में मेदनी राय ठीक है तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा को झारखंड के जगह पर कुड़ा या छोटा नागपुर हिज कैपिटल ऑज डोईसा विच हैड बिन इस्टाब्लिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दुर्जन शाह तो रघुनाथ शाह यानी कि कुकरा का कैपिटल कहाँ था दोसा था और ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था तो ये दुर्जन साल ये आप पढ़ चुके हैं ये? तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या है ये है सिक्सटीन फिफ्टी एट टू सेवेंटीन हंड्रेड सेवन और रघुनाथा के क्या है तो इनका है सिक्सटीन फोटी टू सिक्सटीन नाइन्टी यानी कि जब आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि ये सोलह सौ चालीस से थे शासक औरंगजेब और कब बने सिक्सटीन फिफ्टी एट में यानी कि औरंगजेब जब आए उस टाइम रघुनाथ साहब पहले से ही शासक थे कहाँ के छोटा नागपुर के ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रघुनाथ सा बीइंग ए ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर इस्टाब्लिश द जगन्नाथ टेम्पल इन रांची मदन मोहन टेम्पल राधा कृष्ण टेम्पल इन बोरिया एंड राम सीता टेम्पल इन रांची तो यहाँ बींग ए ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर तो उन्होंने क्या क्या इस्टाब्लिश किया जगन्नाथ टेम्पल रांची में तो जगन्नाथ टेम्पल रांची में कब इस्टाब्लिश हुआ है सिक्सटीन 16, 1691 में हुआ है ठीक है इनका शासन पीरियड रहा है 1642, 1690 और ये स्टाब्लिश कब हुआ है सिक्सटीन नाइन्टी वन में हुआ है यानी कि सिक्सटीन नाइन्टी वन में हो सकता है कि बनकर तैयार हुआ हो ठीक तो है तो जगन्नाथ टेम्पल का टाइम पीरियड सिक्सटीन नाइन्टी वन मदन मोहन टेम्पल जो है कि राधा कृष्ण जी का टेम्पल है वो बोरिया में है बोरिया कहाँ है तो यह काके में और ये कब बना है तो ये बना है सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में बना है ठीक है और राम सीता टेम्पल जो है रांची में रांची का कहाँ पे तो चुटिया में ठीक है रांची का चुटिया में और ये कब बना है सिक्सटीन एटी फाइव में ठीक है तो ये तीन चीज़ रघुनाथ टाइम के रघुनाथ शाह के टाइम पे बने हैं ठीक है कहीं कहीं पे ये मिल जाता है कि जगनाथ टेम्पल किन्होंने बनवाया है एनी साह ने ठीक है तो आप एनिशा मान सकते हैं लेकिन हम इसे तो रघुनाथ शाह ही मानेंगे क्योंकि इनका टाइम पीरियड भी आप देख रहे हैं कि सिक्सटीन फोर्टी टू सिक्सटीन नाइन्टी है ठीक है रघुनाथ सागर का टाइम पीरियड भी है सिक्सटीन फोर्टी टू नाइन्टी और जगन्नाथ टेम्पल बना कब है सिक्सटीन नाइन्टी वन में और रघुनाथ शाह के जो सक्सेसर थे राम सा ठीक है इनके दस पुत्र थे इनके दस पुत्र थे जिनमें से चौथे नंबर पे एनी साथ थे ठीक है थीके? तो ये एनी साथ है चौथे नंबर पे ठीक है राम के चौथे पुत्र थे और रघुनाथ शाह के बाद राम शासक बनते हैं उसके बाद इनके बेटे यदुनाथ शाह बनते हैं तो ये इनके देख सकते हैं कि इनका एक ये थर्ड से जनरेशन में आ जाते हैं ठीक है रघुनाथ शाह के बाद सेकेंड ये जनरेशन रहा थर्ड जनरेशन एनीसा रहे तो इतना लॉन्ग पीरियड में ये पीछे जाके जगन्नाथ टेम्पल तो नहीं बना सकते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि रघुनाथ शाही बनवाए हैं ठीक है बहुत सारे बुक में रघुनाथ शाही मिलता है कोई ही बुक में शायद ही किसी बुक में एनीसा देखने को मिलता है तो आप इसे रघुनाथ शाही समझ के चलिए ठीक है ऑप्शन में जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आंसर ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ड्यूरिंग द रिंग ऑफ औरंगजेब देयर हैड बीन ओनली वन मुगल अटैक ऑन झारखंड यहाँ झारखंड नहीं होना चाहिए यहाँ पे कुकरा ठीक है बार बार कुकरा को ये झारखंड लिख दिया है विच बीन डिस्क्राइब बाई फ्रेंच टेवर ट्रेवर एंड द सेकेंड अटैक वॉज डन बाई चेरो किंग ऑफ प्लामो दैट इज मेदनी राय हु डेस्टोर रत्नगर एंड कैप्चर फेमस नवापुरी गेट एंड स्टोरी इन द न्यू प्लामो फोर्ट एक्चुअल हुआ क्या था तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में अगर हम लोग कुकरा की बात करें अभी हम लोग किसके बारे, लो बारे में पढ़ रहे हैं कुकरा ठीक है अभी हम लोग कुकरा के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है तो कुकरा में क्या हुआ औरंगजेब के टाइम पीरियड में एक अटैक मुगल का हुआ और सेकेंड अटैक किसका हुआ चेरो का पहला किसका हुआ मुगल का और सेकेंड हुआ चेरो का ठीक है मुगल में औरंगजेब करवाए थे और चेरों में कौन करवाए थे मेदनी राय कराए थे ठीक है मेदनी राय और इस टाइम पे हुआ क्या कि, कि मुगल का अटैक का जिक्र कहाँ पे मिला है तो फ्रेंच टेबर टेन के द्वारा मिला है और चेरो का जो अटैक था मेदनी राय का उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने क्या किया नवरत्न नवरत्नगर को डिस्ट्रॉय कर दिया नवरत्न नवरत्नगर को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ से बहुत सारे सामान ले गए जिसमें से एक फेमस चीज़ ले गए नागपुरी गेट नागपुरी गेट ठीक है नागपुर गेट नागपुर ही नहीं नागपुर कह सकते हैं ठीक है नागपुर गेट ले गए गे, जो बहुत ही अच्छा खासा लंबा चौड़ा और हेवी था जिसे वो यहाँ से ले गए और कहाँ पे इस्टाब्लिश किए तो न्यू प्लामो फोर्ट में ठीक है न्यू प्लामो फोर्ट कि, किन्होंने बनवाया था तो न्यू प्लामो फोर्ट बनवाया था मेदनी राय और वहीं पर इस्टाब्लिश किए क्या चीज़ नागपुर गेट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में ये मेदनी राय का कहानी शुरू कर दिया है तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट बताना चाहते हैं रघुनाथ शाह के बारे में कि रघुनाथ शाह को कहा जाता है कि इनका जो टाइम पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था कुकरा के लिए ठीक है गोल्डन पीरियड फॉर कुकरा ठीक है किनका का सा टाइम पीरियड रघुनाथ शाह का ठीक है अब मेदिनी राय का कहा जाता है कि ये गोल्डन पीरियड था किन लिए चेरों के लिए मेदनी राय का जो टाइम पीरियड था वो चेरों के लिए क्या था गोल्डन पीरियड था क्या ठीक है ऐसा कहा जाता है अब आते हैं प्लामू में तो प्लामू में औरंगजेब के टाइम कौन थे मेदनी राय थे जिनका टाइम पीरियड है सिक्सटीन फिफ्टी एट टू सिक्सटीन सेवेंटी फोर औरंगजेब का था भी सिक्सटी इनका भी तो था इनका भी कब था सिक्सटीन फिफ्टी एट टू सेवनटीन सेवन ठीक है तो देख सकते हैं स्टार्टिंग में औरंगजेब जब गद्दी पर बैठे उस टाइम मेदनी राय भी पर गद्दी पर ही थे ठीक है तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या कहते हैं ऑल दो ही वॉज ए पावरफुल रूलर ही एक्सेप्टेड द गवर्नेंस ऑफ मुगल एम्पायर ये बहुत पावरफुल पावरफुल थे फिर भी इन्होंने क्या किया था मुग़ल एम्पायर का गवर्नेंस को एक्सेप्ट कर चुके थे वायर औरंगजेब वॉज़ फाइटिंग फॉर द थ्रोन मेदनी राइट टू एडवांटेज ऑफ द कन्फ्यूजन प्रीवेलिंग अमॉन्ट द मूगल्स एंड स्टॉप पेइंग टैक्सेस इसमें क्या हुआ कि औरंगजेब जब अपने अपने थी थ्रोन के लिए जब फाइटिंग कर रहे थे अपनी गद्दी के लिए जब फाइट कर रहे थे तो मेरनी राय इसका एडवांटेज लेते हैं फ़ायदा उठाते हैं और क्या करते हैं कि वह पे करना टैक्स पे करना रोक देते हैं स्टॉप कर देते हैं रोक देते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ऑन असेंडिंग द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब ऑर्डर दाऊद खान द गवर्नर ऑफ बिहार टू अटैक ऑन प्लामो जब औरंगजेब गद्दी पर बैठते हैं तो वो क्या करते हैं दाऊद खान जो इनका कमांडर था जो गवर्नर ऑफ बिहार था उसको क्या कहते हैं प्लामो में अटैक करने को कहते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट ऑन फिफ्थ ऑफ मई सिक्सटीन सिक्सटी दाउद खान कैप्चर प्लामो नहीं यहाँ पर ये सिक्सटी फिफ्थ मई सिक्सटीन सिक्सटी नहीं होना चाहिए यहाँ पर होना ट्वेंटी थ्री अप्रैल ठीक है ट्वेंटी थ्री अप्रैल सिक्सटीन सिक्सटी को क्या हुआ उन्होंने प्लामो पे कैप्चर कर लिया ठीक है प्लामो पे कैप्चर कर रही है और फिफ्थ मई सिक्सटीन सिक्सटी क्या हुआ था वो कहाँ पे कैप्चर किए थे तो ये कैप्चर किए थे कुंडा ठीक है कहाँ कैप्चर किए थे कुंडा में फिफ्थ मई को ठीक है यहाँ पे यहाँ पे कुंडा दिया इसलिए हम कन्फ्यूज हो जा रहे हैं ये फिफ्थ मई को ये कवर किए थे कहाँ पे तो ये किए थे केंदी में कोठी में कोठी थी, ठीक है और तीन जून सिक्सटीन सिक्सटी का टाइम पीरियड है यहाँ पे ये किए थे कुंडा में ठीक है कुंडा में कैप्चर कर लिए थे ठीक है थी, ये तीन जगह का कैप्चर का स्टोरी आपको मिलता है कि जब दाऊद खान आए थे तो सबसे पहले तेईस अप्रैल को क्या किए सबसे पहले तेईस अप्रैल को प्लामो में कैप्चर किए फिर फिफ्थ मई 1660 को कोठी को कैप्चर किए और थर्ड जून 1660 को कुंडा को कैप्चर किए ठीक है कौन दाऊद खान, ठीक है और कुंडा किसके द्वारा बनाया गया था कुंडा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो कुंडा का किया गया था रामसी के द्वारा ठीक है रामसी कुंडा का किया गया था रामसी के द्वारा कुंडा का स्थापना कौन किए थे कुंडा को इस्टेब्लिश कौन किए थे राम सिंह किए थे ठीक है और इस पर कैप्चर दाऊद खान किए थे कब तीन जून सोलह सौ साठ में उसके बाद फिर से यह प्लामू की ओर आते हैं तीन जून सोलह सौ साठ में कुंडा पे कैप्चर करने के बाद फिर से यह वापस आते हैं प्लामू की ओर आते हैं ठीक है थीके? फिर देखते हैं क्या होता है और ऑर्डर मेदनी राय टू तो एक्सेप्ट इस्लाम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम दिया है ठीक है तो पहले सबसे पहले ये प्लामों पे कैप्चर करते हैं प्लामों के बाद कोठी पे कोठी के बाद कुंडा पे ठीक है कुंडा पे कैप्चर करने के बाद फिर से ये प्लामों की ओर आते हैं जब प्लामों की ओर आते हैं तो मेदनी राय पहले से ही सब चीज़ एक्सेप्ट कर लिए थे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थे तो वो जितना भी उनसे मांगा गया था पेस्कस वो सब देने के लिए तैयार थे लेकिन इस टाइम क्या होता है कि औरंगजेब कुछ और ही चीज दाऊद खान को बोलते हैं कि आप मेदनी राय को कहिए कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें लेकिन होता क्या है कि मेदनी राय जो है वो इस्लाम को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं पहले पढ़ लेते हैं क्या कहें है। औरंगजेब ऑर्डर और मेदनी राय टू तो एक्सेप्ट इस्लाम पे देशकस एंड रिटर्न दिस रूल रिटेन बट तो चेरोज जंगल एंड टू गांड टूज इन दरगुजर गिर में यहाँ पे होता क्या है देखिए जब ये वो वापस से प्लामो में आते हैं दाऊद खान ठीक है तो वो मेदनी राय से कहते हैं कि आप इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लीजिए तो मेदनी राय तैयार थे कि आप जितना टैक्स मान रहे हैं हम आपको टैक्स देंगे बट वो इस्लाम को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं वो इस्लाम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे इसी बीच में इन दोनों के बीच फ़ाइटिंग शुरू हो जाती है अब फाइटिंग जब शुरू होती है तो मेदनी राय जो है वो अपने न्यू फोर्ट के थ्रू जितने भी उमैन्स थे ठीक है जितने भी वुमेन थे और जितने भी चिल्ड्रेंस थे सबको भेज देते हैं ठीक है और खुद रह जाते हैं क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि जो उनका प्लामो फोर्ट था तो उसमें से वो आ, उनका अपना ही खुफिया रास्ता था जिसके थ्रू वो भाग सकते थे या फिर खुद को सेव कर सकते थे तो वो खुद रह जाते हैं खुद लड़ाई करते हैं खुद फाइटिंग करते हैं और अपने बच्चों और स्त्रियों को जितने भी थे उन्हें भेज देते हैं इसके बाद होता क्या है कि जो दाऊद खान था सबसे पहले न्यू प्लामो फोर्ट में कब्जा करता है फिर ओल्ड प्लामो फोर्ट में कब्जा कर लेता है और जब मेदनी राय हार जाते हैं तो वो प्लामो फोर्ट से अपने खुफिया रास्ता से निकल के सरगुजा सरगुजा के जंगल में चले जाते हैं ठीक है और वहाँ पे अपने आप को बचा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है उसके बाद दाऊद खान यहाँ पे दो साल रहते हैं ठीक है सिक्सटीन सिक्सटी टू सिक्सटीन सिक्सटी टू तक दो साल रहते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आहमगिर नामा और जिब अपॉइंटेड मनकली एज द फौजदार ऑफ प्लामो इन 1666 लेटर ऑन ही वाज ट्रांसफर एंड प्लामो वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉमेसन को घुमा फिरा के दिया है एक्चुअली मैं आहमगीर नामा के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो सिक्सटीन से सिक्सटी तक दाऊद खान यहीं पर रहते हैं ठीक है दाऊद खान यहीं पे रहते हैं उसके बाद जब वो वापस जाने लगते हैं तो यहाँ पे मनकली खां को मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त न्यू, करते हैं ठीक है और ये मनकली खां यहाँ पे 1660 से कब तक रहते हैं 1666 तक रहते हैं और उसके बाद मनकली खां को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये जब ट्रांसफर चले, जा, चले जाते ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं बिहार तो फिर मेदनी राय वापस से यहाँ पर आते हैं और फिर अपने खोए हुए राज्यों को फिर से पा जाते हैं ड्यू टू दिस मेदनी राय रिगेन हिस लो लोस्ट किंगडम एंड रोल्ड प्रामो एंटिल सिक्सटीन सेवेंटी फोर यहाँ पे क्या होता है सिक्सटीन सिक्सटी से लेके सिक्सटीन सिक्सटी सिक्सटी सिक्स तक मेदनी राय का शासन नहीं रहता है यहाँ पर किसका शासन रहता है दाऊद खान का और दाऊद खान का और मनकली खां का ठीक है बीच में ये टाइम पीरियड था जब मेदनी राय यहाँ पे शासन नहीं करते हैं और इसके बाद सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स में जब वापस आ जाते हैं फिर से अपने राज्य को पाते हैं इसके बाद से फिर सिक्सटीन सेवेंटी फोर तक यानी कि आठ वर्ष तक फिर शासन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट द रीगन ऑफ मेदनी राय इज कंसिडर एज गोल्डन पीरियड बिकॉज ही मेड सिग्निफिकेंट चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द किंगडम देखिए गोल्डन पीरियड अगर कहा जाए चेरो में प्लामुक एरिया में तो गोल्डन पीरियड प्लामुक एरिया में किनका टाइम पीरियड रहा है मेदनी राय का लेकिन जब यही चीज़ हम छोटा नागपुर के लिए कहेंगे तो हो जाता है रघुनाथ शाह का ठीक है रघुनाथ शाह का ठीक है मेदनी राय हो जाते हैं प्लामु में और छोटा नागपुर में कौन है रघुनाथ शाह ठीक है किन इनका टाइम पीरियड क्या कहलाता है गोल्डन पीरियड ठीक है ही ऑल्सो प्रोमोट एग्रीकल्चर मेदनी राय क्या करते हैं एग्रीकल्चर को प्रोमोट करते हैं मेदनी राय रूल्स एंडेड इन सिक्सटीन सेवेंटी फोर एंड वॉर सक्सीडेड बाय रुद्र राय और ये किसके द्वारा सक्सेड किया जाता है रुद्र राय के द्वारा ये सिक्सटीन सेवेंटी फोर से सिक्सटीन एटी तक शासन करते हैं उसके बाद रिकपार शासन करते हैं सिक्सटीन नाइन्टी सेवन तक उसके बाद साहेब राय सबल राय नहीं होना चाहिए यहाँ पे साहेब राय होना चाहिए साहेब राय ठीक है तो ये साहेब राय जो है सबल राय नहीं होगा साहेब राय दीगपाल राय को सक्सेसर हो जाते हैं उनके और इसके सक, उन, उन्हें हटा के एक बार बैठते हैं साहेब राय और ये शासन करते हैं सेवनटीन सिक्सटीन तक ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ड्यूरिंग औरंगजेब रिंग ने मुगल रूल ऑज रीनेम्ड कॉन्फाइंड टू द एरिया जो प्लामू गुमरा रांची रातेहार सिमडेगा और हरदगं धनबाद एंड पुरोरिया रिमेड आउटसाइड ऑफ द मुगल रूल देखिए ये क्या कह रहा है कि जब औरंगजेब का टाइम पीरियड था तो इस टाइम पीरियड में मुगल के टाइम पीरियड में कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है सर तो प्लामू गुमला रांची रातेहार हाथ सिमडेगा एंड रोहरदगा जब धनबाद की बात करते हैं या फिर पुरानिया की तो ये मुगर के से जो इन्वेजन हुआ था उससे ये बचे हुए रहते हैं जबकि ये लोग जो है टैक्स देते ही थे ठीक है टैक्स देते थे इन पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हजारीबाग कंसिस्ट ऑफ फाइव किंग रीजन्स इस टाइम पे औरंगजेब के टाइम पे हजारीबाग में पांच रीजन्स थे एक था कुंदा दूसरा केंदी तीसरा खरगड़िया चौथा रामगढ़ एंड पाँचवा छः चंपा ठीक है और कुंडा ओज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हंटरगंज ब्लॉक ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट और ये जितने भी हैं इनका अपना स्थान बताया गया है मैप बताया गया है तो मैप हम आपको बता चुके हैं किसी एक सेशन में ठीक है तो आप उस मैप को देख लीजिएगा इससे प्रीवियस सेशन या फिर उससे प्रीवियस सेशन में हम मैप बता चुके हैं नेक्स्ट आते हैं नागवंशी किंग रघुनाथ शाह रीन वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ फॉर दिस कम्युनिटी बट ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यू टू रॉन्ग पॉलिसीज एडॉप्टड बाई औरंगजेब मुगल एम्पायर हैड बिगन टू विकेन देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि नागवंशीज की जब हम बात करते हैं रघुनाथ शाह का जो टाइम पीरियड रहता है उसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं और इसी के बाद जो है औरंगजेब के जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से मुगल का जो एम्पायर था वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मुगल पीरियड ऑफ झारखंड यानी कि मुगल के बाद का कैसा रहा है स्थिति झारखंड में और इसके बाद ये सेशन ओवर हो जाएगा तो हम लोग एम करेंगे तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक यू हैव हैवे नाइस डे